सो गाइज, अभी जो है अपने पास है RM5M का मोटो जी पी एडिशन एंड जो न्यू MT15 आई थी अपनी 2022 मॉडल। तो गाइज, दोनों जो बाइक्स का एक कंपैरिजन आपको दिखाना था, क्योंकि अभी जो ये बाइक दोनों है एकदम लेटेस्ट है। अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हो RM5 या MT15, तो दोनों में से आप कोई सी बाइक परचेज कर सकते हो। उसके लिए मैंने जो है ये वाली आपको छोटी सी एक कंपैरिजन वीडियो दिखा दी, जिसमें जो है दोनों ही बाइक्स का आप लुक देख सकते हो। जिसमें जो अपनी RM5M है ये वाली, ये एकदम न्यू कलर है जो कि आप देख सकते हो। इसका जो डिटेल रिव्यू है वो मैंने चैनल पे डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये जो रही अपनी MT15 न्यू 2022 मॉडल, जिसमें जो है USD सस्पेंशन एंड न्यू ग्राफिक्स एंड कुछ कॉस्मेटिक चेंज के साथ जो है इस बाइक को लॉन्च किया था। प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये जो बाइक है वो है 1,90,000 के अप्रोक्स आपको ऑन रोड मिलती है, एंड ये जो है 2,21,000 के अप्रोक्स आपको जो है ऑन रोड देखने को मिलेगी। तो दोनों बाइक्स में देखा जाए तो लगभग आपको 30,000 रुपये का जो है गैप मेंटेन करना पड़ेगा। तो 30,000 रुपये में आपको जो है एक्स्ट्रा देकर मिलेगी एक फुल्ली फेड बाइक जो कि है अपनी RM5M, एंड इसके अलावा है आपको 190 में। बट गाइज, इसमें जो है आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको एक न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो कि RM5M में या फिर RM5V4 में आपको में जो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है इसमें आपको कुछ नए इस टाइप की जो है DLs वगैरह सब कुछ ऐसे लुक मिल जाता है। वहीं बात करूँ MT15 की, तो MT15 में भी जो है आपको वही पुराने वाला मीटर कंसोल मिल जाता है, बट जो है इसमें आपको अब ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो देखा जाए तो ये अपनी जगह बेस्ट है, क्योंकि ये ना आपको एक कंफर्टेबल राइड देने वाली है, बहुत कंफर्टेबल। एंड इस बाइक पे जो पिकअप वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है। इन दोनों बाइक्स का जो है मैंने ड्रैग रेस, टॉप स्पीड टेस्ट, हर चीज़ की वीडियो चैनल पे डाली हुई है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें जो है MT15 की आपको सारी पावर पता लग जाएगी कि इस बाइक ने कितनी परफॉर्मेंस आपको दी है। इसके अलावा मेरा मोटिव था ये बताना कि दोनों बाइक की जो है लुक के अकॉर्डिंग अगर आप बाइक परचेज करना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। एक फ्रेम में जब मैंने आपको दोनों बाइक दिखाई, ये जो है एकदम लेटेस्ट कलर है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो बना दूं कि आप जो है डिसाइड कर सकें कि कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके अलावा जो है इंजन की अगर बात करूं तो दोनों बाइक्स में आपको सेम इंजन मिल जाता है, 155cc का लिक्विड कूल फोर स्ट्रोक BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जिसमें आपको VVA टेक्नोलॉजी मिल जाती है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है। बट जो है RM5M में आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाएगा, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है देखा जाए तो, काफ़ी अच्छा जो वर्क भी करता है हाईवेज पे। एंड दोनों बाइक्स के कुछ फ्रंट से आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो जो है आपको अच्छी लगेगी, एंड इन दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन आपके लिए बनाना था कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी बाइक परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखा जाए तो ये बाइक अपनी जगह काफ़ी बेस्ट रहेगी, अब MT15 जिसमें जो है आपको कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है, साथ ही जो है आपका पिलियन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। एंड RM5 में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको एक एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन मिलता है, एंड दूसरा जो यहाँ पिलियन बैठेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब अनकंफर्टेबल आपको फील करेगा और आपको भी फील करवाएगा। सो चॉइस आपकी, आप देख सकते हैं आप दोनों में से कोई सी बाइक परचेज कर सकते हैं। दोनों बाइक जो है सिद्धार्थ या मामा में अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप आके परचेज कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, हर चीज़ जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।